अब ना होगी, ये गलती है मेरे से। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू थैंक यू। ये तो मैं ऑन कैमरा कहना चाहती हूँ कि बस करने में थक गई हूँ आपकी चाय। Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia Mukni and you're watching me on Fuchsia Magazine. आज जो मेरी मेहमान है, जो वो टीवी पे उनको देखती थी ना, बड़ी मुझे क्यूट सी, सॉफ्ट सी, बड़ी ना मासूम सी लगती थी। मासूम है, ये नहीं कह रही कि नहीं है। फिर जी जब मैंने उनको इन्वाइट किया और मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो बड़ी फियर्स हैं, यू नो, ये तो बड़ी कॉन्फिडेंट एंड बड़े ओपिनियंस हैं इनके। और छोटे बालों से लेकर, कॉलेज छोड़ने से लेकर, और बहुत से कॉमेंट्स ऑफ करने, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। तो आज हमारे पास हैं सहीफ़ा जब्बार। कैसी हैं सहीफ़ा? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं थैंक यू, कि सहीफ़ा हमारे लिए रुकी हैं, स्पेशली रुकी हैं, बिकॉज इनका कराची में विज़िट कम होता है आजकल जी। तो शी स्टेड लॉन्गर फॉर दिस इंटरव्यू, सो आई एम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इंटरव्यू सही लगा आपको? यार ठीक था, मुझे लगता है कि कोई आपको इतने प्यारे लव्स आपके लिए कहते हैं तो वही काफ़ी होना चाहिए। आजकल पीपल आर नॉट दैट काइंड, तो मैं तो आई एम रियली हैप्पी। मैं, मेरे ना दिमाग में जो ओरिजिनल इंट्रो था वो मैंने ऑफिस में दिया और ऑफिस वालों ने कहा ये नहीं दे सकते हैं। अच्छा, आप, क्योंकि okay. मैंने उसमें वर्ड यूज़ किया था पटाखा। तो मैंने कहा अच्छा यार सेफ खेलते हैं वरना बैशिंग मुझे भी आ जाएगी। सो मैंने कहा नीचे कॉमेंट्स है बहुत कुछ, फिर मैंने कहा पता नहीं आपको भी अच्छा लगे, तो मैंने बड़ा उससे सोच समझ के ना थोड़ा सा डिफरेंस था। आई एम द इजीएस्ट पर्सन आई थिंक, मुझे बहुत बहुत कम होता है कि अगर मुझे कभी मसला हो, और मैं तो ऑलरेडी अभी इस चीज़ पर काम कर रही हूँ कि मुझे मसला ना हो, मैं कॉमेंट्स ना दूँ और मैं कोई ओपिनियन ना, अगर है तो वो अपनी हद तक रख लूँ। I have been facing a lot. मैंने तो I was actually shocked and surprised जब मैंने आर्टिकल पे आर्टिकल पढ़ना शुरू, मैंने कहा बच्ची को कितनी जान अजाब की हुई है लोगों ने ना, यार आई वॉज जस्ट लाइक सो अमेज्ड। तो बड़ी बहादुर हैं आप। 15 में आई थिंक आई स्टार्टेड वर्किंग और 19 के एंड तक मैंने ठीक ठाक हर किस्म के सवाल का जवाब दिया है और सब कुछ किया है, बट उसके बाद आई थिंक कोरोना हैपेंड सही से मेरे साथ, कि मैंने उसमें बोला कि बस अब नहीं, नो मोर ओपिनियंस, नो मोर कुछ किसी तरह की भी कोई भी चीज़। अच्छा ये बताएं कि मॉडलिंग में कैसे आने का ख्याल आया? शुरू से बनना चाहती थी, वो जो होता है कि मुझे बचपन से मॉडल और एक्ट्रेस बनने का शौक़ था, आपका भी ऐसा ही कोई शौक़ था या हो गया? नहीं मैं अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जब आप छोटे होते हैं ना, तब आपके दिमाग में शायद हमेशा से होता है कि आपने फेमस होना है। अच्छा, और वो किसी तरीके से भी हो सकता है, बेशक आपने बहुत अच्छा डॉक्टर बन के फेमस होना है या एक बहुत नाम कमाने वाली जो चीज़ होती है, जो फेमस होने वाली होती है, वो आई थिंक बड़ी एक ही कैटेगरी में फॉल करती है। बट आई नेवर न्यू दैट आई विल यू नो स्टार्ट मॉडलिंग और आई विल गेट माई सेल्फ इन टू एक्टिंग, आई नेवर न्यू दिस। आई थॉट कि मैं कुछ बहुत पढ़ा लिखा होके और वो वाला कुछ करूंगी, कुछ साइंटिस्ट, कुछ बिजनेस वुमन, फोर्ब्स 30 में आ रहा होगा नाम, exactly, या मतलब कि कुछ कुछ भी होगा लेकिन वो मीडिया रिलेटेड शायद नहीं होगा। एंड व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, तब भी जिस तरह का मेरा घर का माहौल था, जिस तरह की मैं पठान फैमिली से हूँ, तो कुछ सोचा नहीं था कि इस तरह की कभी चीज़ होगी। बट मुझे लगता है जब चीज़ें आपकी नसीब में जो लिखी भी होती हैं, जो जो मेंट टू भी होता है, वो फिर उसके लिए रास्ते भी बन जाते हैं, लोग भी आपको ऐसे मिलना शुरू हो जाते हैं। सो आई वेंट टू बी एन यू, आई हैड कपल ऑफ फ्रेंड्स जो मुझे बड़े टाइम से बोल रहे थे कि प्लीज़ हमारे लिए एक शो कर दो, वॉक अच्छा। कर दो, क्योंकि मेरे मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रही थी वहाँ पे फैशन के स्टूडेंट्स भी थे, आर्ट्स के भी थे, तो बस वो फिर सिंस इट वाज मेंट टू बी, तो फिर वो एक छोटा सा किसी का वो किया मैंने। तो कॉलेज का ही कोई प्रोजेक्ट था जिसमें आपने कॉलेज का जी एक प्रोजेक्ट था वो किया, फिर उसने एक और कहीं पर रिकमेंड किया, फिर वहाँ से फैशन पाकिस्तान लाउंज वालों ने लिया, फिर जनरेशन वालों ने लिया, फिर वो एक चीज़ शुरू हो गई। और वो शायद अंदर कहीं ना कहीं कीड़ा भी होता है, ऐसा तो नहीं होता कि वो कीड़ा नहीं होता, सो इट वॉज ऑलवेज देयर, विच आई फिगर्ड मच लेटर। एंड फिर वहाँ से वापसी नहीं हुई। तो जब रैंप पे पहली बार वॉक किया, डर लग रहा था या क्या? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक तो जब प्रैक्टिस कर रहे थे, ऑफकोर्स आपके साथ पूरी एक्सपीरियंस मॉडल्स होंगी, बड़े नाम होंगे, और फिर जब क्राउड में पहली बार किया, कितनी दुआएं पड़ी और क्या क्या हाल था? मुझे ना क्राउड का कोई डर नहीं था, क्योंकि मेरे साथ हुआ ये था कि मैं और नेहा राजपूत हम दोनों थे और हम दोनों का फर्स्ट टाइम था रैंप पे, और शेरू थे उस वक्त डायरेक्ट कर रहे थे, और हमारी सारी सीनियर मॉडल्स थी, ऑल ऑफ देम आर लाइक टॉल एंड हसीन एंड लाइक सीनियर एंड एवरीथिंग नाइस।
और हमें ना अभी तक कोई कपड़े नहीं दे रहा. अच्छा. और हम कोने में दो डरी हुई खड़ी हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही. और अगेन 15 और 2020 तक में बहुत फ़र्क आ चुका हुआ है. तब इंस्टाग्राम और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी. फेसबुक तो बिल्कुल वो चीज़ नहीं थी. फेसबुक ज़्यादा फेसबुक था. फेसबुक में वो था कि आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जाएगी फिर दोस्त बनोगे. अब तो ये कि किसी का काम भी पसंद आता है तो आप अप्रिशिएट करते हैं, आपकी दोस्तियाँ जल्दी हो जाती हैं. तो उस वक्त तो एक तो वो भी खौफ था कि किसी से ना कुछ पूछ सकते हैं ना जा सकते हैं. कोई कपड़े भी नहीं दे रहा. पता नहीं हम डिज़ाइनर्स को नहीं समझ आ रही है क्या. तो मैं तो ना कोने में खड़ी ना सैड. और फिर नोमी अंसारी आए मेरे पास. अच्छा. उनकी और हमने कपड़े देखे 2015 की कलेक्शन मुझे आज तक याद है. हर डिज़ाइनर ने इतने प्यारे कपड़े बनाए थे. और मैं और नेहा बस कह रहे थे क्या हो रहा है हमारे साथ. और नोमी ने मुझे बुलाया. यू आईब्रोज गर्ल कब है. जी तुम किस पूल में हो. उनका इस पूल में हो और कपड़े नहीं दिए तुम्हें अभी तक किसी ने. इधर आओ मेरे साथ. मैं गई और उनका सबसे प्यारा जोड़ा मुझे मिला. वाओ इट वाज सो प्रिटी. एंड फौजिया ने देखा वो जोड़ा मुझ पे और फौजिया वाज लाइक नोमी तुमने इसको क्यों दिया इतना प्यारा मुझे चाहिए. वो हंस रही थी मजाक कर रही थी. एंड फिर मैंने नोमी का वाज द फर्स्ट आउटफिट व्हिच आई वोर ऑन द रैप एंड आई वाज लुकिंग सो प्रिटी दैट आई डिडंट केयर कि लोग हैं या क्या है. इट वाज अ वेरी नाइस आउटफिट एंड आई वोर दैट. और मैं आज तक मैं और नोमी बात करते हैं कि कैसे मैं डरी हुई खड़ी हुई थी साइड पे. और अब देखें अब थिंग्स आर. अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर उधर से मॉडलिंग से एक्टिंग कैसे हुई. सोचा था कि मैं अब इस तरफ जाना शुरू करूंगी उस डायरेक्शन में. मुझे ये लगता है कि इंटरनेशनली भी और हमारा भी यहाँ पे जब भी हम मॉडलिंग करते हैं तो हमारा एंड पे यही होता है कि यू नो विल एक्ट विल स्टार्ट एक्टिंग. तो ऑब्वियसली मैंने भी मेरा भी यही प्लान था. दिल भी करता था देखती भी थी बट आई वॉजन्ट श्योर कि इफ आई कैन एक्ट. एंड आई वॉन्टेड टू गिव माई सेल्फ 5 years इनटू द मॉडलिंग. एंड उसके बाद आई थॉट कि मैं 2020 में या 2021 में मैं एक्टिंग शुरू करूँगी. दैट वॉज माई प्लान. बट अगेन जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं और जब होनी होती हैं. I won my Hum Award first Rising Star का. And उसके कुछ दिन I think barely 10-12 दिन बाद I got a call from Hum TV. अच्छा. That there's this project and आप आ जाएँ. और मैंने कहा देखिए मेरा ना घर पर मायूं हो रहा है. मेरी 10 दिन बाद शादी है. एक तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड अभी बिकॉज आई थिंक दैट आई कैन नॉट एक्ट. जो चीज़ मैं नहीं कर सकती ना वो मैं पहले बता देती हूँ कि देखिए मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम ज़ाया हो या आपके रिसोर्स मुझ पर ज़ाया. बिल्कुल. तो कहते नहीं नहीं आप आ जाएं तो हम आपके यहाँ वो लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या बनता है. अच्छा जी पिछली रात को मायूं थी. अगले दिन टिकट की कराची गए. एक बहुत बुरा ऑडिशन दिया मैंने. और उस ऑडिशन में थोड़ी सी नियत भी थी कि ना लें मुझे क्योंकि दे वांटेड मी राइट आफ्टर माय शादी. दे वांटेड मी एक तो मेरी बिल्कुल शादी की डेट्स पे. बट आई टोल्ड देम तो उन्होंने कहा हम 10-15 दिन वेट कर लेंगे बट यू हैव टू जॉइन. सो आई गेव देम अ वेरी बैड वो. एंड I get a call after 2-3 days that you're doing our serial and you must come on this date. Oh God. यार ये तो ये शादी के आपने बिल्कुल पांच उनको चाहिए था कोई 5 December से मैं onset. मेरी थी 1 December को शादी. मैंने कहा देखिए कोई 20 दिन ही दे दें. तो मैंने सिर्फ 20 दिन ही बोला. उन्होंने कहा ठीक है आप 20 दिन लें और 21वें दिन सेट पे. ये क्या था बोल दी थी. ये क्या किया मैंने. 20 दिन उस तरह तो नहीं बोला था. खैर फिर 21वें दिन आई वॉज ऑन सेट एंड आई रिमेंबर दैट आई वॉज क्राइंग. माई मदर इन लॉ वॉज क्राइंग. माई ब्रदर इन लॉ वॉज लाइक इट्स ओके यू कैन डू दिस. कोई बात नहीं ये तो है कराची हम आया करेंगे. तुमने कौन सा हमेशा के लिए तुम जा रही हो. I did not cry on my Rukhsati. I cried so bad. I cried so bad. मैं सेट पे भी गई. हम टी वी वाले आज तक कहते हैं कि सहीफा gave us tough time because I was so sad. I did not want to leave my family. I was newly, you know, married. Of course. It was such a emotional ride. But ये है कि वो फिर टाइम एक्टिंग भी सीख ली. I got really amazing cast, amazing director. तेरी मेरी कहानी है पहला वाला ना. जी. Asfar was so helpful. सबूर वॉज देयर. सबूर वॉज ऑलरेडी मेरी दोस्त तो मेरे लिए थोड़ा सा था कि ठीक है. सबूर इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर तो मुझे उससे बड़ा सीखने को मिला. फिर असफर मुझे इशारे करके बताता था ऐसे कि देखो वहाँ देखो. तो शुरू की कुछ एपिसोड्स में तो बहुत बुरी मेरी एक्टिंग है लेकिन इवेंचुअली फिर ये कि आई लर्न. और उसके बाद फिर आई वेंट टू ARY एंड आई वर्कड फॉर देम इन बैक टू बैक. आई डिड 3 serials फॉर देम. तो वो ये कि फिर it since it was meant to be तो वो हो गया. और फिर बड़ा अच्छा हुआ. और फिर वहाँ से
वहाँ से नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक. अब ये कि अब दोनों चीज़ें चल रही हैं साइड बाय साइड. लाहौर वालों को लगता है कि मैं कराची शिफ्ट हो गई हूँ, कराची वालों को लगता है कि मैं लाहौर होती हूँ और कराची नहीं आती हूँ. अच्छा तो ये बताएं, अम्मा अब्बा वर ओके, वो सही थे, उनको कोई मसला नहीं था कि सहीफा इस डायरेक्शन में जा रही है? उफ, मेरे अब्बा को तो ये टेंशन थी मेरी शादी कैसे होगी, क्योंकि इसमें चली गई है, क्योंकि मैं फील्ड मेरी ये हो गई है. और ऑब्वियसली एक स्टेरियोटाइप और वो सब चीज़ें तो थीं. और फिर जिस फैमिली में कोई दूर दूर तक ना हो, और फिर हम पठान भी थे, फिर हैं पठान भी हैं. और फिर हमारी फैमिली में लड़कियों को पढ़ाने पे था बिल्कुल फोकस था कि पढ़ें, जितना भी पढ़ना है, पढ़ने के लिए बाहर भी जाना चाहती हैं जा सकती हैं, अपनी मर्जी से शादी, ये वाली कोई मसले नहीं थे. बट ये था कि चूँकि इंडस्ट्री के बारे में सुनते थे या एक डर था, इट बेरली टुक देम 2-3 मंथ्स. उसके बाद देवर फाइन. जब उन्होंने मुझसे देखा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं सुबह जाती हूँ, रात को थकी भी आती हूँ, वो जब देख रहे थे कि मैं बिलबोर्ड्स पे आना शुरू हो गई हूँ, आई एम वर्किंग सो हार्ड, मैं ना दिन देख रही हूँ ना रात देख रही हूँ. उसके बाद आई थिंक शुरू में दे गेव अप ऑन मी कि अब ये नहीं मानी. कोशिश की उन्होंने समझाने की आप बहुत बहुत. अब्बू के मुझे आज भी याद है, इतने लंबे लंबे मैसेजेस आते थे. और मेरे मामू बड़े सपोर्टिव थे, तो वो कहते थे कि इस बच्ची के अंदर बहुत आर्ट भरा हुआ है कूट कूट के, तो अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये सीए करेगी तो ये वो बच्ची नहीं है, इसको करने दे अपनी मर्जी. तो अम्मा कहती नहीं ये देखो ये क्या. अम्मा का तो बहुत कम था, अब्बू ज़रा ज़्यादा परेशान थे. माई अब्बा ही लिव्स अब्रॉड, तो उनको थोड़ा और भी था कि मैं बाप हूँ और मैं दूर हूँ और माँ पाकिस्तान में अकेली है, तो उनको आई थिंक वो वाली चीज़ें भी थी. बट अगेन इट टुक देम नो टाइम, इन बेरली 2-3 मंथ्स बोथ वर हैप्पी. बस मुझे मेरे अब्बू कहते होते थे और आज तक बल्कि यही कहते हैं कि अच्छा बस पैसे के लिए काम ना करना, बस शौक से करो जितना दिल करता है, पैसे के पीछे मत भागना, जहाँ से इज्जत से जितने मिला करें बस वो ले लिया करो, जहाँ पे लड़ना पड़े या बहस करनी पड़े वो. और वो वही है कि आज तक जहाँ मुझे कहीं लगता है कि मुझे बहस करनी पड़ेगी या लड़ना पड़ेगा या लोग अच्छे नहीं हैं या बदतमीज़ी होगी, आई कैन नॉट वर्क विद देम. और वो अब्बू की 2-3 बस जो बातें थी वो ऐसी दिमाग के अंदर फिट हैं कि वो आज तक वही हैं. आई थिंक इतनी खूबसूरत चीज़ है ना, बिकॉज उन्होंने वो आपको प्लेटफॉर्म, वो कुशन दे दिया है कि जिसकी वजह से आप अपनी मर्जी चला सकती हैं. बिल्कुल, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं बड़ी ब्लेस थी कि एक तो मैं इसलिए काम करने नहीं निकली थी कि मुझे घर चलाना है. बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे माँ बाप को लंबी उम्र अता फरमाए और सेहत दे. मेरे अब्बू सपोर्टिव थे, घर वो चला रहे थे, मेरी अम्मा सपोर्टिव थी, पढ़ी लिखी फैमिली थी, एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली थी, वो वाले मसले मसाइल नहीं थे जो बहुत से लड़कियों के या लड़कों के होते हैं. क्योंकि मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम होता है रोज़ी रिस्क कमा के और फिर फीड भी करना, तो वो जिम्मेदारियाँ ही नहीं थी. तो काम को ना भी कह सकते थे, बदतमीज़ लोगों के मुँह लगने की ज़रूरत ही नहीं थी. जहाँ छोड़ना अपने अब्बू की, अब्बू ने गाड़ी लेके दी हुई थी, अपनी गाड़ी में खुद जाना है खुद आना है. तो आई थिंक ये बड़ी लग्जरी है. मैं इसलिए जब मुझे कोई कहते हैं आपने स्ट्रगल की, मैं कहती हूँ शायद मैंने की होगी स्ट्रगल, लेकिन वो मेरी अपनी किसी और तरह की स्ट्रगल होगी. और मैं उसको शायद स्ट्रगल नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि जो लोग नॉर्मली स्ट्रगल करते हैं, मेरी तो उसके कहीं पर भी करीब नहीं है. सो आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड, आई फाउंड रियली गुड पीपल इन द इंडस्ट्री शुरू से लेकर आज तक. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड एन अमेजिंग फैमिली. मेरी शादी के बाद आई गॉट अमेजिंग अमेजिंग इन लॉज, एंड उससे पहले आई हैड अमेजिंग पेरेंट्स. तो वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बिल्कुल भी मुझे फील नहीं. ये बताएं कि आपको तो एक्टिंग मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई क्लासेस नहीं लेनी, तो पहला जब शॉट सीन जब शॉट करना था तो क्या दिमाग में चल रहा था? उससे पहले कुछ प्रैक्टिस की, क्या प्रोसेस था, अपने आप को कैसे रेडी किया, कैमरा जब हुआ ऑन क्या हुआ था? एक तो मैं अगेन वही कहूँगी कि ना लोग बहुत अच्छे मिले, और फिर उसके बाद उनको चूँकि पता था कि मुझे तो आती नहीं है एक्टिंग का, ए भी नहीं आता, तो उन्होंने ना मुझे सीन भी बड़ा इजी सा ही दिया शुरू में उन्होंने इजी सीन्स ही कराए. मुझे ये था कि ना मैं आई थिंक क्विक लर्नर हूँ, या शायद फिर एक्टिंग के मामले में मुझे लगता है कि मैंने जल्दी सीख लिया. तो बहुत बुरा किया. मैं आज भी कहती हूँ कि जब भी मैं वो सीन देखती हूँ तो मैं बहुत सर हिला का यार, एक था मैं कहीं क्लिप भेजूंगी निकाल के, यूट्यूब से स्क्रीनशॉट भेजूंगी देखना, और वो आयरन करने होते हैं अपने पापा के कपड़े और उनसे कोई कॉन्वर्सेशन होती है. एंड 3-4 टेक्स ली, ऑब्वियसली वो परफेक्ट टेक्स नहीं थी, पर उन्होंने जाने दिया कि यू नो ये इंपॉर्टेंट सीन्स पहले कंफर्टेबल हो जाए. एग्जैक्टली. सो इट टुक मी आई थिंक गुड 10 डेज टाइप
जिसमें मुझे समझ आ गई कि आंखें कितनी हिलानी है या सर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सर हिलाती थी और आंखें हिलाती थी और यूं यूं करके बोलती थी। तो क्या कॉल आती थी डायरेक्टर से, सही कहा सर मत हिलाओ, कम कम सर हिलाओ, आहिस्ता बोलो। एक तो मॉडल, फिर BNU की, फिर वैसे ही मुंह फट, और आज से 3 साल 3.5 साल पहले तो वो तो और भी ठहराव भी नहीं था, तेज तेज बोलना भी था, एज का भी बड़ा फैक्टर होता है। अब तो हम बहुत जल्दी भी सीखना शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, वी आर लर्निंग जल्दी। मतलब आज का 16 साल का बच्चा उतना ही मेच्योर है जितना आज 28 साल का इंसान मेच्योर है। तो वो ये था कि आई वॉज ऑब्वियसली यंगर एंड फ्रॉम लाहौर एंड मॉडल, तो वो बड़ी तेज से चीज़ें थी। बट फिर मुझे समझ आ गई कि जो एक्टिंग का कैमरा है ना, वो आपसे टाइम मांगता है, वो आपसे मोहब्बत मांगता है, वो आपसे मांगता है कि आराम से सुकून से एक पेस पे जाके आप वो करें। तो आई लर्न इट। अब मुझे लगता है कि मैं बहुत स्लो गई हूँ। अब मुझे लगता है कि कैरेक्टर की भी तो डिमांड होती है ना। हाँ, मुझे अभी तक खैर कैरेक्टर्स भी शायद इसी तरह के मिले हैं जो बड़े मेलो और आराम के ही हैं। बट आई रियली वुड लाइक टू यू नो डू समथिंग व्हिच इज अलग। मेरे बाकी कम हो जाए, हाँ रोना धोना तो खैर प्लीज खत्म हो जाए। आई डोंट, I'm not signing so many scripts. I'm rejecting so many scripts only because I don't want to cry anymore. I want to do something जिसमें I'm not telling the boy कि please मेरा यकीन करें और please मुझे घर से मत निकालें, और हर script में उसको उसकी औलाद को नाजायज़ कहा जा रहा है और फिर उस पर उसको कहा जा रहा है कि आप उसको abort कराएं या आपको divorce हो रही है। ये 3-4 चीज़ें मुझे लगता है इतनी pet चीज़ें हो गई हैं कि मुझे दुख है। जब मैंने join किया था 17 में, तब मुझे लगता है ये चीज़ शुरू हो गई थी। उससे पहले ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। मैं अभी भी नहीं कहूँगी कि प्रोजेक्ट्स बुरे हैं। मुसीबत हमारे मास्टर्स को भी यही देखना है, उनको अच्छी लगती है रोती हुई लड़की, और मुझे नहीं समझ आती क्यों। लेकिन मैं कहती हूँ कि इंजेक्ट करें मास्टर्स के अंदर अच्छी चीज, चेंज करें। वो नहीं देखना चाहते आप, उनको ज़बरदस्ती अच्छा कॉन्टेंट दिखाएं। वो 10 ड्रामे नहीं देखेंगे, 20 नहीं देखेंगे, 21वें पे तो देखना शुरू कर देंगे। हम भी तो जब नेटफ्लिक्स आया था तो हमें उनकी कुछ चीज़ें नहीं समझ आती थी, अभी भी नहीं आती, हमें नहीं आती इंडियन कंटेंट, हमें बहुत सा नहीं समझ आता। बट मुझे लगता है कि हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें अब पता है कि ये अच्छा कंटेंट है। और मुझे दुख है इस बात का कि मुझे इंडियन कंटेंट देखना पड़ रहा है। मुझे दुख है इस बात का कि मुझे अपने ड्रामास देखने का दिल नहीं कर रहा, और मुझे दुख है कि मुझे ऐसे ड्रामास, मेरी आवाम वो ड्रामास देख रही है जिनकी स्क्रिप्ट और जिनका सब कुछ बहुत बेतुक है। और मुझे दुख है इस बात का क्योंकि हमारी जनरेशन के अंदर एक ऐसी चीज़ इंजेक्ट हो रही है जो हमें आज नहीं पता चलेगी, जिसका हमें पता चलेगा 10-15 साल बाद, जब वो जवान हो जाएगी, जब उसकी शादी होगी तो हमें उसका पता चलेगा। टेल मी, आप BNU में पढ़ रही थी, फिर आपने ड्रॉप आउट किया। किस्सा मैं रिपीट नहीं करूँगी, आई थिंक आप काफ़ी इंटरव्यूज़ में वो कर चुकी हैं। बट लेकिन उस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी से गुजर रही थी, तो और फिर कुछ शायद आप ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गई थी जिसको शायद आप आज अप्रूव नहीं कर रही हो या नहीं जान, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या हुआ था जिसने आपको पुश किया उस तरफ जाने से, वो ब्रेकिंग पॉइंट कैसे आया था, एक चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि आपके आसपास जो सपोर्ट सिस्टम था उसमें आपको क्या लगता है किस चीज़ की कमी थी कि आप उस तरफ गई। और मैं पूछ इसलिए रही हूँ, नॉट फॉर सेंसेशनलिज्म, बहुत से ये बड़ी कॉमन चीज़ है, यू नो, दिल का टूट जाना, एग्ज़ाम्स में पास नहीं होना, जॉब नहीं मिलना, ये हमारी जो यूथ है वो फेस कर रही है। आप इस चीज़ से गुजरी, तो क्या कुछ ऐसी एडवाइस या अपना एक्सपीरियंस कुछ ऐसा शेयर कर सकती हैं जो जो सुनने वाले आप, बिकॉज यू हैव अ ह्यूज फॉलोइंग, वो शायद इससे सीख सकें, माँ बाप जो सुन रहे हैं वो सीख सकें, टीचर्स दोस्त सुन सकें। इसका ना जवाब छोटा नहीं है, काफ़ी लंबा है। और मेरा प्रॉब्लम यह है कि बहुत से इंटरव्यूज़ में जब मुझसे कोई ऐसी चीज़ पूछी जाती है, कभी टाइम की कमी की वजह से, कभी लाइव होने की वजह से, कभी एडिट की वजह से, वो जवाब उस तरह से पहुंच नहीं पाता। और ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूमन, हमेशा मैं उस फेज़ में नहीं हो सकती हूँ कि मैं एक चीज़ को बहुत डीपली एक्सप्लेन कर सकूँ और वो फिर मिसअंडरस्टूड होती है। बहुत रिसेंटली हमारे एक एक्टर हैं, इफ़ आई एम नॉट कोटिंग हिम रॉन्ग, आई थिंक गौहर ने ये बात की थी कि जो हमारी जनरेशन है ना, इसका प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ अचीव करना चाहती है एज 30 से पहले। और ये उनकी जो बात थी ना, ये बहुत गहरी बात थी। हमारा मसला ये है कि हमें ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए वक्त से पहले।
when I was 20, when I was involved in such things, I wanted so much from my life कि वो उस उम्र और उस वक्त के हिसाब से हो ही नहीं सकता था, उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं थी. होता ये है कि कुछ चीज़ों को आपको वक्त देना पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए सब्र की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ें अपने वक्त और टाइम के साथ ही आती हैं. बिल्कुल. और आपका एक और क्या सवाल था इसमें? मेरा ये सवाल है कि फैमिली या आपके सपोर्ट सिस्टम आस पास में क्या चीज़ थी कि बिकॉज हमारे यहाँ दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट है इस जनरेशन में. आई थिंक कभी कभी माँ बाप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त हो जाते हैं. माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट है, माँ बाप और फैमिली की अपनी अलहदा एक इंपॉर्टेंस है. आपको क्या लगता है जब आप सोचती हैं पीछे कि क्या कहाँ लूप होल था जो गिरा, क्या चीज़ आपको रोक सकती थी या बेहतर कर सकती थी उस सिचुएशन को? देखिए, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो ना आपने करने ही होते हैं. अच्छा. वो आप बेशक 20 साल की उम्र में करें या 40 साल की उम्र में करें, वो हर इंसान किसी भी कैपेसिटी में रहते हुए वो एक्सपीरियंसेस कर सकता है. अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं और मैं यहाँ सब पेरेंट्स को और दोस्तों को ये कहूँ कि नहीं, प्लीज़ अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने ऐसे जानने वालों को सपोर्ट करें एंड ऑल दैट, दैट वुड बी रॉन्ग. बिकॉज आई हैड अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम. माई डैड वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, माई मदर वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, दे न्यू एवरी थिंग, आई हैव टोल्ड देम एवरी थिंग. तो फिर प्रॉब्लम मालूम था कि आप क्या कर रहे हैं. ऑब्वियसली एक टाइम तक तो मैंने उन्हें नहीं बताया, बट व्हेन आई थॉट दैट थिंग्स वर गोइंग आउट ऑफ माय ओन कंट्रोल तो आई टोल्ड देम. बट व्हाई आई वाजंट टेलिंग देम, बिकॉज ऑब्वियसली आई डिड नॉट वांट टू डिसअपॉइंट देम. आई डिड नॉट वांट देम टू फील कि उन्होंने कहाँ कमी छोड़ दी, क्योंकि वो तो थे परफेक्ट पेरेंट्स. सो इसमें कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है. मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जब अपने वक्त के साथ हो रही होती हैं ना, चूँकि अब ऑब्वियसली एज के साथ भी आप कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो मैं ब्लेम नहीं कर सकती ऐसे लोगों को कि आप अपने अंदर सब्र लाएं और स्ट्रांग हों. कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है. देखें, आज आई एम 28, ठीक है, टुमारो आई विल बी 38. ये एज के साथ ही आता है, सब्र एक्सपीरियंसेस के साथ ही आता है. अब जो गलतियाँ मैंने 20 की उम्र में की वो आज मैं 28 की उम्र में नहीं करूँगी, और जो गलतियाँ मैंने 20 में की हैं अब 21 में नहीं होंगी मुझसे. अच्छी बात ये होनी चाहिए कि आपका जो भी फेज़ हो, आप जिस भी ट्रांस में हैं, आप वहाँ से सीखें, आप उससे निकलें. और ये चीज़ मैंने बहुत बिल्कुल अभी कोई, दिस इज़ माय थर्ड मंथ, मैंने ये चीज़ सीखी और मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी की, दैट वन शुड नॉट रिग्रेट ओवर एनीथिंग. ठीक है, आपसे जितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कोई भी गुनाह हो जाए, आप अपने खुदा से माफ़ी मांगें, आप अपने आप से माफ़ी मांगें, आप अपने आप को ये बोल दें कि अब आप ये गलती नहीं करेंगी. क्योंकि आप इंसान हैं, आप कैपेबल हैं गलतियाँ करने की. व्हेन वी गेट टू हार्श ऑन आर सेल्फ्स ना, तो मुझे लगता है हम ज़्यादा गलतियाँ करते हैं. और मुझे भी ये लगता है कि व्हेन आई वाज टू हार्श ऑन माई सेल्फ, आई मेड ऑल दोज मिस्टेक्स. एंड आई वॉन्ट टू टेल ऑल द पीपल हु आर यंगर देन मी, या जो भी ऑलरेडी हमारी एज के भी होके इस फेज़ में हैं, या वो सारे पेरेंट्स, के Love is the only thing that we all want and need in whatever way, in whatever capacity. आप इस दुनिया के अंदर जो बातें बोलते हैं, जो बातें कहते हैं, वही आपके पास आती हैं. कार्मा में भी सिर्फ आपके साथ कार्मा नहीं हो रहा होता, अगले के साथ भी हो रहा होता है. तो बेहतर है कि आप जितनी पॉजिटिव बातें बोल सकते हैं, कर सकते हैं, आप वो करें, और कुछ चीज़ों को टाइम दें हील होने का. हमारा मसला ये है कि ये ग्लास अब हिल गया ना यहाँ से यूँ, तो अब हमें चाहिए यहाँ अभी के अभी, यहाँ हम गलती करते हैं. अब वो हिलने का भी तो उसने टाइम लिया था ना, तो उसने वापस आने का भी टाइम लेना है. अब वो किसी के लिए महीना हो सकता है, मिनट हो सकता है, कुछ किसी साल, के लिए साल हो सकता है. बट ये है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों को टाइम, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा तवक्कुल. बहुत, मैं नहीं कह रही कि आप नमाजी हों या बहुत परहेजी हों या आप रोज़ चर्च जाने वाले हों, नहीं, मैं ये नहीं कह रही. मैं आपको रिलीजियस होने का भी नहीं कह रही. मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा सब्र हो, और अगर आप किसी भी खुदा पे यकीन नहीं करते, तो शायद जो इस दुनिया में जो एक ऑरा है, एक अच्छाई हो रही एक है. अच्छाई हो रही है, आप उसके ऊपर ही वो चीज़ छोड़ दें कि यू नो things will take their own good time and they will happen when they are meant to be. वो मुझे लगता है. चलिए, आई होप आज आपको टाइम मिला है पूरा एक्सप्लेन करने का सही तरीका. आज इसी तरह लगना चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन सही आपने इंस्टाग्राम पे नहीं देंगी. नहीं होगी. बट मुझे बताएं, जब ड्रॉप होने का सोचा तो अम्मा अब्बा क्या थे? ओह माय गॉड, आई एम टेलिंग यू ना, माय डैड, कमरे के दरवाजे जोर जोर से बंद हुए, क्या हुआ एक्चुअली हुए. सो मैं उनकी जगह होती तो मेरे ख्याल में मैं तो
यार सो अब्बा वॉज अब्रॉड, बेचारी अम्मा वॉज हियर, सो आप सोचें कि यार वो माँ बेचारी कि बेटी बागी हुई है, बेटों का सुना था बागी होने का, उनके लिए तो बेटी बागी हो गई, अब्बा बाहर बेचारे, अब्बा का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, फिर बेटी है उसका प्रेशर, फिर बेटी ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, जिन पढ़ाइयों के पीछे हम छोटे शहरों से बड़े शहर में आकर बैठे, इतनी ज़िंदगी की स्ट्रगल, मेरी अम्मा की बड़ी स्ट्रगल है हमें पढ़ाने के पीछे, और हमें अब्बा से दूर रहने की वजह ये थी कि बाबा वॉज इन मिडल ईस्ट, तो मेरी अम्मा कहती थी नहीं मिडल ईस्ट के स्कूल्स नहीं अच्छे होते, मेरे बच्चे पाकिस्तान में ही पढ़ेंगे, मैं पाकिस्तान में रहूँगी, सो इट वॉज़ अ स्ट्रगल फॉर हर। एकदम बच्ची ने आखिरी जब टाइम था कि जी अब इस डिग्री मिलने वाली है, और जी बेटी ने कहा नहीं पढ़ना, तो वो क्या बेचारी माँ वो क्या कहेगी, और वो बाप जिसने सारी ज़िंदगी बाहर कमा इसलिए रहा था कि वो अपने बच्चों और बीवी को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, उसकी बेटी बोल रही है कि नहीं वो, तो कुछ भी नहीं, बस फिर कुछ दिन दरवाजे बंद थे, और अब्बू बेचारे कितने लंबे लंबे मैसेजेस आया करते होते थे और कहते थे मैं बहुत परेशान हूँ, अच्छा तुम एक सेमेस्टर फ्रीज कराओ, उसके बाद यू नो गो बैक, एंड आई ऑल्सो फिर टोल्ड देम कि सही है आई एम टेकिंग वन सेमेस्टर ऑफ एंड आई विल गो बैक, आई प्रोमिस यू दैट, एंड अल्लाह माफ़ी दे आई ब्रोक दैट प्रोमिस, आई नेवर वेंट बैक, बट लेकिन बट थिंग्स वर्कड आउट फॉर यू, थिंग्स वर्कड आउट रियली वेल फॉर मी, and they saw it in me ke ye kar sakti hai aur ye khush hai isme, mujhe lagta hai maa baap ko isse zyada koi, bilkul aapke ammi abbu ki struggle thi lekin I think aapki khushi sabse zyada unke liye important hai, unhone dekha ki ye nikal aayi hai to they were okay, exactly unko ye bhi tha ki wo ek phase se bhi nikal aayi hai aur yahan pe bhi naam kama rahi hai aur mehnat kar rahi hai, कुछ उल्टी थी पॉजिटिव हो गई है और मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हुई थी, मैं अपनी अम्मा को रोज़ शूट के बाद घर आना, शावर लेना, उनको कॉफ़ी पे लेके जाना, ये वाली चीज़ें थी, मैं अब्बा को कहना कि पाकिस्तान आ जाएं इकट्ठे प्लान करते हैं, बहुत ही चेंज आ गया तभी सही में, तो पर्सनालिटी का एक इतना बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट था और दैट शिफ्ट वाज फॉर माय होल खानदान, सो माय एक तो होते हैं ना कि खानदान में बातें होती हैं, माय खानदान वाज लाइक सुपर प्राउड ऑफ मी, दे वर टेलिंग एवरीवेयर दैट यू नो मेरी बहन एंड मेरी कजन और वो ये, तो वो तो इतना ज़्यादा मेरे पेरेंट्स के लिए वो पॉजिटिव था कि फैमिली भी तो मोहल्ले वाले भी और सब अच्छा बोल रहे हैं, तो फिर आई थिंक उनको उनके लिए कोई डाउट था ही नहीं, सब मैं यही कहती हूँ कि आई हैव बीन रियली 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 ब्लेस्ड, अल्लाह का मुझ पे बड़ा करम रहा है कि उन्होंने मुझे हर चीज़ मेरी अपनी स्ट्रगल के साथ दी बट मुझे बड़ी खूबसूरती से दी। मैं जब आपकी पूरी कहानी पढ़ रही थी और सुन रही थी, मुझे इतना वो हो रहा था कि कितनी आयरोनिक बात है ना सईफा, कि आपने एक बड़ी मुश्किल फेज से गुजर रही थी आप, जिस वक्त आपने छोड़ा बी एन यू को, सेमेस्टर ड्रॉप किया, घर पर भी मसला, लेकिन अल्लाह ने कुछ और प्लान किया हुआ था, आज आप देखें क्या किधर पहुँच गए, कि वो हम सोचते हैं कि हमारा बॉटम है, यू नो आई एम श्योर उस वक्त आपको लगा होगा कि दुनिया खत्म हो गई है, अम्मा अब नाराज है, मैं इतनी डिप्रेशन और कॉलेज, यू नो मुझे समझ नहीं, बट वो चीज़ एक नया दरवाज़ा आपके लिए खोला और आज आप कहाँ पहुँच। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपको ज़िंदगी में लग रहा हो ना कि अब आपकी बस हो गई है, वहाँ पे ही अल्लाह ने ना आपकी किस्मत में कुछ नया और ऐसा बेहतर लिखा होता है। मैं ना इतना रोया करती थी, मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी है, शी इज़ ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो कहती थी कि सईफा तुम ना अल्लाह से बार बार एक फूल की ख्वाहिश कर रही हो और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला बाग तैयार कर रहा है और तुम्हें इस चीज़ का आज एहसास नहीं है, और जब तुम्हें एहसास होगा तब तुम्हें यकीन नहीं आएगा, और आज मैं कहती हूँ कि मैं आज बहुत प्यारे फूलों के बाग में बैठी हुई हूँ और मुझे यकीन नहीं आता कि 5 साल पहले, बल्कि 8-7 साल पहले मेरी ज़िंदगी में एक फेज था, उसमें मेरी क्या कैफियत थी। तो वो कुछ जो चीज़ें प्लान हुई होती है ना, उनको उस तरह होने देना चाहिए। हम इंसानों को बड़ी आदत है चीज़ों को अपने हाथों में लेने की, जल्दी हाथ में लेनी है। मुझे लगता है कि जब आप हाथ से चीज़ों को जाने देते हैं ना, तभी तो आती हैं हाथ में चीज़ें, तो वो आपको थोड़ा सा फेथ अपना उधर स्ट्रॉन्ग करना, बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल, इट इज़ सो टफ, इट इज़ सो टफ, बट इट इज़ जिस पे जिस वक्त गुजर रही होती है वो वही जानता है, हम इस वक्त कह सकते हैं ये बात। अब वो किसी भी कैपेसिटी में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको कि अच्छा खासा हंसता फिरता तो है जिंदगी में, देखो अल्लाह ने गाड़ी दी है, घर दिया, तो किस चीज की सैडनेस है, बट आपको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। हर किसी की अपनी स्ट्रगल और अपने दुख होते हैं, मुझे लगता है दुख का क्राइटेरिया भी हर किसी का अपना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज आपके लिए नॉर्मल होगी, वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ा दुख हो सकती है, यू नो। अच्छा सईफा ये बताएं, जब आप आई सोच इस फील्ड में और माशाल्लाह से नाम होना शुरू हुआ, अब सारी वो चीज़ें जो स्ट्रेंथ से रिलेटेड होती हैं, यू नो जो सईफा शो कर रही थी, वो काइंड ऑफ
बैकलैश आना शुरू हो गया आप पे, नेगेटिव होना शुरू. उसको क्या फील हो रहा था कि यार बजाय इसकी कि अप्रिशिएट करें कि मैं जो एक टिपिकल माइंड सेट है उसको चेंज कर रही हूँ, इन्हीं चीज़ों को पकड़ के आप लोग मुझ पर बातें कर रहे हैं, वो करें, उस वक्त क्या दिमाग में चल रहा था? देखें, जब वो सब बातें हुई और कुछ चीज़ें बड़ी रीसेंट हुई, क्योंकि वो आपका प्रोसेस रुका नहीं है, हर थोड़ी देर बाद होता रहा था ना, कभी कोई एक चीज़ होती कभी एक चीज़, एंड एवरी थिंग विच आई फेल्ट दैट, चलिए हर किसी का अपना होता है, आई एम नॉट, मैं किसी को भी जज नहीं कर रही हूँ, बट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वर समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, लाइक यू नो, कि लड़कियों को वैसी चीज़ें करना. देखें, मैं कहूँगी कि वो जो कुछ भी मैंने कहा या जो मेरी ओपिनियन थी ना, बेशक वो गलत नहीं थी मेरे लिए, मेरे नज़दीक, बट जिस सोसाइटी का मैं हिस्सा हूँ, ये चीज़ मैंने बड़ी देर से रियलाइज़ की है कि जिस सोसाइटी का मैं हिस्सा हूँ, उधर ये सब चीज़ों को अगर मैं शायद किसी और तरीके से या उनके लिए लफ्ज़ों का सही चुनाव करके मैं बोलती तो वो बेहतर होता. देखिए, हम एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पे ये सारी बातें पहली दफ़ा हो रही हैं, तो अगर मैं पहली दफ़ा ही कहूँ कि यार ये कितनी घटिया शर्ट है, तो यू विल बी हर्ट, योर सेंटिमेंट्स विल बी हर्ट. अगर मैं कहूँ यार शर्ट बहुत प्यारी है, बट मुझे लगता है कि अगर तुम इस शर्ट को यूँ नहीं यूँ स्टाइल करती तो तुम ज़्यादा प्यारी लगती, तो आपको मेरी बात भी समझ में आती, आपको मेरी बात भी बुरी ना लगती. तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मैंने बहुत लेट अंडरस्टैंड की, और शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने पिछले कम से कम एक साल के अंदर कोई ओपिनियन नहीं दी, और बहुत सी चीज़ें मैंने नोट की लेकिन मैंने बोला नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे लग रहा था ये चेंज आ गया है. हाँ, मैं बोलना नहीं चाहती थी, मैं एक अजम्पशन नहीं करना चाहती थी, बट आप, मैंने इंटरव्यू से पहले आप एडिटर मेरे बैठे हुए सामने, उनसे बोला मैं कहा मुझे लगता है कि वो चेंज, एक जो हम समझते हैं कि हो या वो मेच्योरिटी आ गई, वो क्या, कैसे आई, क्या हुआ जिसने आपको रियलाइज, क्या पॉइंट था जब ये हुआ कि नहीं, आई नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल? यार देखें, अब जैसे ये शो है ना, ये मेरी अम्मी भी देखेंगी, मेरे अब्बू भी देखेंगे, बिल्कुल. अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बोलूँगी ना जो उन्हें भी नहीं समझ आएंगी, कितने प्रोग्रेसिव पेरेंट्स हैं ना वो, अगर वो उन्हें नहीं समझ आएंगी, तो मैं जो मासेस के पेरेंट्स हैं ना, जो आंटी हैं जो किसी एक छोटी सी गली में रहती हैं, बड़ी क्यूट सी आंटी हैं जो चाहती हैं कि उनकी बेटियों की जल्दी शादी हो, उनको वो बात कैसे समझा पाऊँगी? उनके लिए मेरे पास वो वर्ड्स होने चाहिए जो उन्हें रिलेट मैं करा सकूँ. तो अगर मैं कोई चीज़ अपनी अम्मी अब्बू को नहीं समझा पा रही होंगी, जो इंटरव्यू देख के वो मुझे डांटेंगे, तो फिर मैं उस गली वाली आंटी को कुछ नहीं कह सकती. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ राइट वर्ड्स, एंड इन वट एवर फ्रेम ऑफ माइंड यू आर, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ दैट आंटी और माई पेरेंट. सही बात है. मेरे अम्मी अब्बा ने मेरे पुराने इंटरव्यूज देख के जो मेरी बजाई है, आप माएँ जब ताने देती हैं, और माएँ माओं का सबसे खतरनाक ताना होता है जब वो कोड वर्ड में ताना देती हैं, जब वो डायरेक्ट ताना नहीं देती, वो ताना होता है सबसे खतरनाक. कौन सा वाला ताना होता है? तो मेरी अम्मी ने ना मेरे इंटरव्यूज देखे, तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुमने इंटरव्यू गलत दिया, उन्होंने बोला कि ये आजकल बच्चियाँ इंटरव्यू इस तरह, उन्होंने आजकल बच्चियाँ इंटरव्यू देती हैं, इंटरव्यूज पे जाके बंदे को कुछ तमीज़ के कपड़े पहनने चाहिए, तमीज़ की बात करनी चाहिए, ये क्या तरीका होता है कि इंटरव्यू में चले गए कुछ भी ऐसे ही बोल दिया, लोग देखते हैं, लोग कहेंगे कि पता नहीं कैसे घर से आई है, पढ़ी लिखी घर से. और मैं वीडियो कॉल पे हूँ और अम्मा मस्कत है, और ये मस्कत से बातें चल रही हैं, और मुझे समझ आ रही है कि अम्मा जो है ना मुझे लगा रही है सारी बातें. और उन्होंने बड़ी ठीक ठाक बड़े प्यार से, लेकिन ना कि पता नहीं पढ़े लिखे बैकग्राउंड से हैं नहीं हैं, क्या मतलब माँ बाप ने कोई तमीज़ सिखाई है, लोगों को तो लगता होगा पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, ये कोई बात है ऐसी लड़कियाँ. एक दफ़ा नहीं अम्मी ने कहा कि तुम्हारे इंटरव्यू पे मैं कह रही हूँ, अम्मी ने बस मेरी की, और मैं मुझे समझ आ गई कि ये एक ऐसी लाइन है जो क्रॉस हुई है, और गलत तरीके से क्रॉस हुई है. उनको ये प्रॉब्लम नहीं थी कि तुमने ये बातें क्यों बोली, उनको ये था कि तुम जब पढ़ी लिखी हो, तुम्हें इतना एक्सपोजर दिया है, तुम्हें दुनिया घुमाई है, सब कुछ किया है, तो उसके बाद जब तुमने वहाँ जाके इस तरह के लूज वर्ड्स ही बोलने थे, तो बेटा कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारा. उनकी बकायदा वर्ड्स थे कि लूज वर्ड्स ही बोलने थे. आई वाज लाइक अम्मा अब ना होगी ये गलती मेरे से. अच्छा ये बताएं थोड़ा सा, एक आपको ऑफर हुई है, दो मूवीज़ हैं. अच्छा दो मूवीज़ नहीं, दो ऑफर्स हैं आपके पास, ठीक है,
एक में है कि आप इमरान अशरफ के ऑपोजिट राजा राजा करती में जो इकरा ने प्ले किया वो कर रही है, ठीक है। दूसरी साथ ही आपको ऑफर आई है अलिफ वाला सजल मत कहिए, अलिफ में जो सजल का कैरेक्टर था वो आपका है ना, कौन सा चूज करेंगी ज़हीफा? नहीं नहीं नहीं, मैं ये बता दूं कि ये दोनों फेवरेट है ज़हीफा के, इसलिए मैंने ज़हीफा बात नहीं नहीं इतनी सीरियस बातें हो रही, अब थोड़ा सा की तरफ आते हैं। नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। दोनों मुझे रांझा रांझा में इकरा के कैरेक्टर से ज्यादा जिस चीज ने फैसिनेट जो करती है, जो मुझे मैं करना भी जो चाहती हूँ, वो है इमरान भाई के साथ काम करना है मुझे। मुझे लगता है रांझा रांझा में इकरा का कैरेक्टर जो शुरू के एपिसोड्स में था, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बाद में जब, क्योंकि जब भोला आए तो फिर भोला छा गया, फिर भोला ही थे आप बेशक जो मर्जी कह लें, इसलिए मुझे उस रांझा रांझा का जो मेरा मतलब है ना, जो अंदर से मेरा वो है कि इकरा का पार्ट जो शुरू का इकरा ने प्ले किया, दैट वाज अमेजिंग, एंड देन आई वांट टू वर्क विद इमरान भाई, दैट इज व्हाई। ठीक है ठीक है। अच्छा, हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम ये बोलते हैं कि आप अज्यूम करें एक दिन आप सुबह उठी हैं तो आप कोई और हैं, आप सहीफा नहीं हैं, ठीक है। तो उस बंदे को जानते हुए या उस बंदे के बारे में जो भी आपकी नॉलेज है, तो आप क्या मजे की चीज़ करेंगी? ठीक है, अब आप सुबह उठी हैं और आप फैसल कुरैशी हैं, तो क्या करेंगी आप? Then I would like to do something different. Like what? I'll take a day off, which Faisal bhai never he never does that. I'll take a day off and मैं उनके biker clan पूरा जाता है संडे को, मैं उनकी पहली बाइक लेके जो है ना निकल जाऊंगी कहीं और निकल जाऊंगी जाता रहे, क्योंकि क्लाइन ओनली गोज ऑन संडेज, ठीक है। तो मैं कोई वीकडे ही होगा जिस दिन मैं उठी और काम को मैं ऑफ कराऊंगी और मैं उनकी बाइक लेके आऊंगी। चलें, आज आप उठी हैं और सजल अली हैं, ओह खूबसूरत। आई रियली होप कि जिस दिन मैं उठी हूँ उस दिन एक्चुअली मेरी सजल का कोई ना अच्छा सा शूट हो, अच्छा किसी बहुत फिट सी स्क्रिप्ट के ऊपर, और सजल सेट पे ही जा रही हूँ और मैं भी वही कर रही हूँ जो सजल। आई वुडंट वांट टू चेंज दैट। ठीक है, यासिर हुसैन, यासिर अगर यासिर होता तो वो उठते साथ कुछ इकरा के लिए पकाता, ठीक है, दैट इज वेरी टिपिकल यासिर, ही लव्स टू कुक एंड व्हाटएवर इकरा सेज यासिर कुक्स दैट। अच्छा, बट आई थिंक फॉर अ चेंज मैं इकरा को कहती कि उठो, अपने लिए भी बनाओ और मेरे लिए भी बनाओ। ठीक है, माहिरा खान, I wouldn't want to do anything. I would want real Mahira to be with me too, and I would take her on a date, on a good lunch brunch date. ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ी सिचुएशंस दे रही हूँ। Okay. चार लोग हैं, सबूर अली, अफान, फैसल कुरैशी और यासिर, ठीक है, यासिर हुसैन, ये चार लोग हैं। इकरा को भी डालने इसमें डालना, ठीक है। अब मुझे आप बताएंगी कि या किसी और दोस्त का नाम इंडस्ट्री से आप लेना चाहें तो किसका नाम लेंगे? मुझे सिचुएशन या मैं आपको सिचुएशन दूंगी, आप मुझे बताएंगे इन सिचुएशन में आप इनमें से किसको बुलाती या कौन आपकी मदद करता और क्यों? आप सवाल पूछेगा, मैं खुद ही बता दूंगी कौन आ जाएगा। ठीक है, सही है। आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है सड़क पे, इनमें से किसको बुलाएंगी आप मदद के लिए और क्यों? हुई कराची में नहीं है ख़राब ना, ऑब्वियसली हसन हयात को। अच्छा, हाँ हसन हयात इज द ओनली, क्योंकि यासिर अब बहरिया रहता है, उसको बुलाने का कोई फायदा नहीं है, दो ढाई घंटे उसको आने में लगेंगे। और सबूर सेट पे कहीं ना कहीं बिजी होगी, सो नॉट सबूर, हसन हयात, ठीक है, ही इज द ओनली वन हु विल बी अवेलेबल। फैसल भाई भी कहीं सेट पे फंसे होंगे, तो ड्राइवर नहीं भेज के मंगा लेंगे सहीवा को? फैसल भाई ड्राइव हम सर। ओके, ठीक है। आज हमें कितने मजे मजे की बातें पता चल रही है। सीढ़ी पे खड़ी हुई है आप, कुछ बल्ब चेंज कर रही है, कुछ भी कर रही है, आप सीढ़ी पे खड़ी है, नीचे लोग खड़े हैं बहुत से, ये चार भी हो सकते हैं या जिसको भी, अगर आप गिरी तो कौन पकड़ेगा सबसे पहले आपको? इसमें फैसल कुरैशी पकड़ेंगे, ही कैन, ही इज कैपेबल ऑफ दैट, क्योंकि यासिर इज लाइक अ बडी फ्रेंड, तो ही वुड वांट के गिरूं, ठीक है, तो आई कैन नॉट से, और इकरा इज टाइनी, आई कैन नॉट डू दैट टू इकरा, सो फैसल भाई इज द स्ट्रांगेस्ट, और सब ओनली Come on, she is also tiny. She is like बिचारी कोशिश भी नहीं करेगी। सब हाँ, सबूर कोश, अगर सबूर खड़ी होगी ना वहाँ पे तो वो कोशिश जरूर करेगी,
बट चूंकि वो छोटी सी है और क्यूट सी है, वो सिर्फ चीखे मारेगी और वो यूं होगी, क्योंकि सबूर और मेरा है ये वाला सीन कि हमें तो हंसने के भी बड़े फिट्स पड़ते हैं, तो बस हंसती रहेगी और वो बस उससे मैं पकड़ी नहीं जाऊँ। आप सड़क के दरमियान में खड़ी हैं और रोड सामने से ना गाड़ी आ रही है, इनमें से कौन बचाने के लिए आ रहा है? यासर बचाएगा, बचाएगा, यासर बचाएगा। क्या बात है, U2 का कॉन्सर्ट हो रहा है, दो टिकट्स हैं आपके पास, किसको लेके जाएंगी? अपने मियाँ को लेके जाऊँगी। हाँ, कॉन्सर्ट पे तो कोई चक्कर ही नहीं है इसे और के जाने का। ओके, फूड पैंडा सिर्फ आपको एक ऑर्डर दे रहा है, आप किसके लिए, इनमें से किसके लिए आप ऑर्डर करेंगी और क्यों? इकरा के लिए ऑर्डर करूँगी, इकरा को खाने का बहुत शौक है। हाँ। और उसको बस इकरा का तो बड़ा मजे का सीन है। अच्छा। इकरा को सुबह आलू की भुजिया चाहिए। हाँ। उसे दोपहर में बिरयानी चाहिए, उसको रात में पाई चाहिए। तो इकरा का वो है ना कि इकरा को आलू की भुजिया चाहिए, यासर उठेगा आलू की भुजिया बनाएगा और इकरा चार निवालों के साथ दो ऐसे करके और वो खाएगी, फिर वो बिरयानी 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 हो रहा होगा, फिर इतनी सी प्लेट, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू जज़ाकअल्लाह, वो इतनी सी प्लेट, फिर उसके बाद पाए क्या जी, रौला डाला हुआ है, पाए बन रहे हैं, लेकिन जी पता चलेगा पाए का ऐसे कुछ नहीं खाना, सिर्फ शोरबे को यूँ रोटी लगा के रो। तो वो मैं फूड पांडा का अगर कुछ भी आएगा तो वो इकरा के पास आएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कॉमेंट्स ऑफ कर दिए थे एक ज़माने में, क्यों? अगर आप कह रही हैं कि आई डोंट केयर, तो फिर क्यों कॉमेंट्स ऑफ? क्योंकि और दूसरी चीज़ ये सवाल पूरा कर लूँ फिर ताकि आप सारा 1000 कमेंट्स अच्छे भी तो आते हैं ना, 100 बुरे आते हैं, चलें 100 भी एग्जैजरेट करके, तो वो जो 1000 हैं उनके साथ ज़्यादती नहीं हो रही जो आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना प्यार करते हैं आपको? मैंने ना सारे कमेंट्स को बड़ा क्लोजली पढ़ा भी है। अच्छा। और उन अकाउंट्स को जाके देखा भी है। अगेन मसला बहुत अजीब सा है, जिस दिन पिक्चर होगी फुल शलवार कमीज़ और दुपट्टे में, तो जो लोग मुझे मेरी पुरानी एक स्लीवलेस की पिक्चर पे गालियाँ दे रहे होंगे ना, वो उसी पे ही मुझे कहेंगे कि यू लुक नाइस एंड ऑल दैट। तो मुझे एक तो वो समझ नहीं आई बात, रोल चेंज होता रहता है, कि वो रोल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से जो सच्चे हैं वो तो चार हैं जो हर हाल में मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो चार लोग हैं जिनके साथ मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने फॉलोअर्स के साथ बात करती रहूँ, उनके साथ DMs पे इन टच रहूँ। तो वो चार लोग तो मेरे साथ DM पे भी हैं और कुछ के पास तो मेरा अपना नंबर भी है, तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं है नेगेटिविटी की। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब कुछ इस तरह के कमेंट्स आते हैं ना, तो उसको पढ़ने वाली मेरी फैमिली भी तो है ना। तो अब मैं नहीं कहना चाहती, बट मुझे पता है कि कितनी दफ़ा मेरी फैमिली वाले खोल के देखते हैं कॉमेंट, जब कोई ऐसी पिक्चर आए जो शायद लोगों के वो ना समझ में आती हो, और उन पर जब उस तरह के कोई कॉमेंट्स आते हैं तो दैट कैन बी पेनफुल। हमारा मसला ये है कि हम किसी को उसके हाल पे जीने नहीं देना चाहते, और हम इंतज़ार करते हैं इस बात का कि वो मर जाए, और जब वो मर जाए तो फिर हम उसके बाद कहें कि ओ अच्छा इंसान था। और जब मेरी दोस्त ज़ारा की जब हमारी डेथ हुई, तो बड़ा दुख हुआ हम सबको ये देख के कि उसको तो किसी ने मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। पीपल वेंट ऑन इंस्टा एंड दे कमेंट शेट, उसका अकाउंट बंद करवाना पड़ा। तो मैं भी क्या, कमेंट्स खुले होना या बंद होना, वो तो मुझे कोई उससे अब तो बिल्कुल भी फ़र्क वाकई में नहीं पड़ता। क्योंकि उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि एटलीस्ट चलो माई फैमिली यू नो दे सी इट, या मेरे ऐसे क्लोज दोस्त हैं जिनको फ़र्क पड़ रहा है। कल मैंने एक पिक्चर पोस्ट की, उस पर एक कॉमेंट था जो बड़ा ऑफ था, तो मेरी दोस्त गई वहाँ पर, उसने यू नो जाके उसको जवाब दे रही थी। तो मैंने उसको बाद में कहा, मैंने कहा मत बहस करो, मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, मैंने कहा तुम थक जाओगी, मैंने कहा मैं 5-6 साल से ये कर रही हूँ, डोंट डू दैट। तो वो ये है कि जब फिर फायदा ही नहीं है, तो ना ऑन का फायदा है ना कोई ऑफ का फायदा है। ट्रू, ओके, इंटरेस्टिंग। जल्दी शादी होने के फायदे क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जल्दी शादी का मुझे नहीं लगता कोई नुकसान या वो होगा, शादी सही इंसान से होना बहुत ज़रूरी है। अगर शादी गलत इंसान से 16 साल की उम्र में हो, 26 साल की उम्र में हो, या 36 साल की उम्र में हो, शादी अगर इंसान गलत से हो गई है ना, काम वहाँ ख़राब है। जल्दी अगर आपको लगता है यू आर रेडी एंड यू शुड गेट मैरिड, तो बहुत अच्छी बात है। पर कैसे पता चलेगा सहीवा कि ये इंसान सही है? आजकल इतने कपल्स में इतने शादी देख रहे हैं कि हो रहा है गैम्बल, ये वो है, वो कहते हैं ना ये वो लड्डू है, जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। यार देखो, मेरे ताया वो कहते थे कि ना शादी एक जुआ है,
और वो तो खेल के पता चलना है कि हारना है कि जीतना है, पहली चीज. दूसरी चीज ये है कि यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट एनी थिंग इन लाइफ. लाइफ ओवरऑल इज वेरी अनसर्टेन. तो अगर आपने अनसर्टेनिटी को वो देख के करना है तो फिर, क्योंकि जब आई वॉन्टेड टू गेट मैरिड तो ख्वाजा साहब वॉजंट रेडी. He was like, you know, I don't earn well or I don't have my house and I don't have this and that. मैं कैसे खिलाऊंगा and you know you are making more money or complications होंगी. मैंने कहा let's say कि I give this thing 5 years and after 5 years we break up and yeah we get married, we have everything in the house but we are not happy together. तो फिर क्या, कहाँ जाएंगी गाड़ी घर जायदादें चीज़ें कहाँ जाएंगी. you are never sure, uncertainty is always there. दूसरा जो ये बात है कि टूट रही हैं और नहीं टूट रही, ये मुझे लगता है कि ना क्योंकि हम इंसान हैं और हमने ना सीखना है कब्र तक, हमारी लर्निंग कभी रुकनी नहीं है. अगर मुझे आज ये लग रहा है कि मैं 28 साल की उम्र में मैंने सब कुछ सीख लिया और मैं सब जान गई तो ये गलत है. ऐसा नहीं है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है. तो जब मैंने सीखना भी कब्र तक है और मैंने गलतियाँ भी कब्र तक करनी है, मैं परफेक्ट भी नहीं हूँ और मैं परफेक्ट हो भी नहीं सकती क्योंकि ना ही मैं फरिश्ता हूँ, ना ही मैं खुदा हूँ, ना ही मैं नबी हूँ. तो फिर तो हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस और प्यार और वो चीज़ें लानी पड़ेंगी ना. तो वो ये है कि एवरीथिंग अगेन टेक्स टाइम, एवरीथिंग रिक्वायर्स लव. तो वो अगर आप दे दें तो आई थिंक. अच्छा मुझे बताएं 3 cute things अपनी रिलेशनशिप के बारे में दैट यू फील कि एवरी कपल शुड बी लर्निंग फ्रॉम. क्या कोई क्यूट 3 चीज़ें अपने ख्वाजा साहब के बारे में बता दें हमें. क्या करते हैं आप लोग कीप द रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग. एंड ख्वाजा साहब आज भी सरप्राइजेस देते हैं. ओह क्यूट. और इट कैन बी एनीथिंग. अच्छा. इट कैन बी ऑफिस से कहा कि मैं आज लेट हो रहा हूँ, 12 बजे आ रहा हूँ, बट यू नो 4 बजे आ गए. और टाइनी थिंग्स, आते हुए जो रोड पे बंदा फूल जो दे रहा होता है वो वाले फूल लेकर आते हैं. द ओनली थिंग विच आई हेट अबाउट हिम इज सुबह उठते साथ बस जो चाय मांगते हैं ना, ये तो मैं ऑन कैमरा कहना चाहती हूँ कि बस करने में थक गई हूँ आपकी चाय. यार बड़ा सीन है इनका चाय का. अच्छा? इनके घर पे जब पहली दफा पत्ती आई थी ना तो मैं आई गॉट स्केयर्ड बिकॉज देयर वर 12 पैकेट. So it was 12 kgs and 1 kg each का पैकेट था और वो 12 पैकेट थे और घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं. God. And it scared me. And I was like, what is happening? और वो मुझे बड़ा टाइम लगा उनको वो सब चीज़ें छुड़वाने में कि यार ये, और इनके घर में पानी की जगह चाय पी जाती थी. Allah. अगर आप इनको आधी रात को भी उठा के आएंगे ना कि उठे ख्वाजा साहब मैं बोर हो रही हूँ, चाय बनाऊँ आपके लिए. For. हाँ. ओके. और आप इनको मग भर के दें चाय का और कोई मसला ही नहीं है. और वो कोई स्पेसिफिक किस्म की चाय है जो आपको सीखनी पड़ी? नहीं, कुछ भी नहीं. चाय कोई बस चाय. मुझे तो लगता है अगर पानी के ग्लास में भी चाय लिख दूंगी ना, मैं कहूँगी ये आपकी चाय है, तो आई थिंक ये वो उसको भी चाय समझ के मिलेंगे. बस चाय होनी चाहिए, वो किसी तरह की भी हो. तो ये तो सारी ख्वाजा साहब की बातें होगी ना. सहीफा क्या कर रही है? सहीफा उनका घर छुड़वा रही है और चाय छुड़वा रही है. सहीफा उनकी चाय छुड़वा रही है. सहीफा उन्हें कहती है कि आप जिम जाएं, हेल्दी कोई लाइफ स्टाइल होती है. सहीफा उनका घर संभाल रही है. सहीफा को OCD है. सहीफा सफाइयाँ करती है. और क्या चाहती है सहीफा से? ये तो हमें उनसे पूछना चाहिए OCD की कितनी प्राइस पे कर रहे हैं. अच्छा, बाय द वे ही आल्सो हैज OCD. अच्छा, सो वी बोथ सही है. या सो वी ज्यादा कौन है? नहीं, हम इक्वली हैं क्योंकि माय मदर इन लॉ इज आल्सो एन OCD. तो हम तो बड़ा अच्छे से रह रहे हैं घर में. प्रपोज आपने किया था? दिस इज सो फनी. इनिशियली आया, आई इनिशिएटेड क्योंकि अभी तो आपने बोला वो तो कन्विंस नहीं थे, आपने कन्विंस किया. ही वाजंट कन्विंस्ड. अब हुआ ये था कि एक तो वी नेवर डेटेड, वी वर फ्रेंड्स एंड व्हेन वी थॉट दैट वी वर कंपैटिबल, आई वांटेड कि इफ वी आर कंपैटिबल देन लेट्स गेट मैरिड, रादर कि हम जो एक दूसरे के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं सो लेट्स गेट मैरिड, या चलो लेट्स टॉक टू द फैमिलीज. And when I told him that, he vanished. He vanished completely for 1.5 days. And it was Eid ki raat. Aur agle din, I was in my hometown. I was supposed to come back to Lahore next day. And he left me a message ki whenever you leave your town, let me know. Because I was supposed to be on the highway. So I did not leave him a message. I was like angry. I was like, how dare he? Ki I am a model. I am famous. How dare he? I was so angry. I was so pissed off at him. While coming, Amma was like, mood kyun off hai tumhara? Maine kaha, Amma,
मैंने उसे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चूंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे तो मैं हमेशा उन्हें सब बताती थी, उन्हें पता भी था कि खजर मेरे दोस्त हैं, तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा माँ वो इस तरह है, मैंने उसको बोला कि शादी कर लेते हैं तो भाग गया लड़का। हम और मैं अब हंसे भी और आते हुए पूरे रास्ता 4 घंटे डिस्कशन भी हुई और सारा कुछ। खैर मैंने 2 दिन बात नहीं की एंड ही केप्ट टेक्स्टिंग और ये वो, देन ही केम होम। फिर मैंने कहा बेटा ये कोई चक्कर नहीं है, अगर करनी है तो अभी बताओ वरना सब खत्म। ही वेंट बैक होम एंड ही टॉक्ड टू हिज मदर and my mother-in-law said ke please bring her home and I would like to meet her. When he said that I was like this is not good. I don't want to meet her. I'm not, because my experiences with the guy's mother, they were never nice. Oh. So I thought ke this is going to be, you know, something really bad. But when I went home unke pure ghar mein candles jal rahi thi and she was so nicely dressed aur unhone itni pyari lipstick lagayi hui, she was waiting for me. And when she met me, she was like, तुम्हारा 7-Up का commercial देखा है मैंने, इतना fit है और काम शाम ना छोड़ना तुम बिल्कुल भी। और मैंने जब ऐसे देखा, अरे मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा ख्वाजा साहब यही चाहिए मुझे, आपका नहीं पता मुझे, but I want this mother-in-law. I was sure कि I don't know about this man, but I know about this woman. I want her. But अल्हम्दुलिल्लाह फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी उस तरह की कि कोई मसला होना है। तो वो कोई फॉर्मल वो नहीं हुआ, ये नहीं आपने रिकॉर्ड की अपनी नीज पे आ जाएं और मुझे प्रपोज करें या कोई सरप्राइज में कोई रिंग नहीं आया आज तक। आज तक मैंने, मेरा उनसे एक ही अगर कोई गिला है ना तो वो यही है कि व्हाई यू नेवर वेंट ऑन योर नीज एंड प्रपोज्ड। This is the only gila I have from my husband, and it never happened. Yeah. Because I think he is very much like my dad. Unko ab wala scene hai ki bas dil mein mohabbat aur izzat hai na, to yahi important hai. Ye baaki to cheeze duniya walon ke liye hain aur insta ke liye hain. ये नहीं मैं करता, वो वाले टाइप्स हैं। सैफा इतनी सरप्राइजेस तो देते हैं, मतलब पूछे कितने लोगों को मिलते हैं ऐसे सरप्राइज, क्या आते हैं फूल ले आए, और बाद में पता चला ना, पहले तो आई डिड नॉट नो, इसलिए अब शायद उतना वो वाला बचकाना गिला नहीं है कि आपने। सही है, सही है, चलता है, चलता है। ओके अच्छा, अब रैपिड फायर में जल्दी जल्दी बोलूँगी, आप बता दिए, ठीक है। अगर सहीफा को रोल ऑफर हो एक है फवाद खान के साथ, लेकिन उसमें पूरा 1 साल लगेगा उस प्रोजेक्ट करने का, कोई बात वर्सेस 3 projects इन द सेम ईयर। फवाद वाले प्रोजेक्ट में पैसे ज़्यादा दे दें। ओके सो फवाद नहीं, पैसे ज़्यादा है, इट्स द मनी। ओके इस इंडस्ट्री में ग्रोइंग ओल्ड इज लाइक, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट मैटर्स। ओके PSL एम्बेसडरशिप अगर आपको ऑफर हुई तो आप ज्वाइन करेंगी, क्योंकि पहली बात है कि मैं करूंगी सिर्फ और सिर्फ, नहीं ये मैं नहीं कहूंगी, माय हस्बैंड वर्क बोलते माय हस्बैंड वर्क फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर गुड 4 years, तो मैं उनको कहती थी कि आप दुनिया को ले रहे हैं, आप मुझे क्यों नहीं करते, तो नहीं करूंगी, आई वुड लाइक टू। ओके एंड क्यों करेंगी, क्या मतलब इसे, गुड मनी ब्रो, गुड मनी, वी आर वेरी क्लियर ऑन वन थिंग, गुड मनी ब्रो। वुमेन्स डे एंड यू आर लाइक, आई एम लाइक ऑल अबाउट माई मदर एंड माई मदर इन लॉ, इट्स नेवर अबाउट मी। ओके हमेशा से, बी इट मदर इन लॉ, बी इट मदर्स डे और बी इट वुमेन्स डे, इट्स ऑलवेज। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली आपने, क्यों, आई डोंट नो, मुझे शायद, मुझे लगता है कि ना जो मकाम माँ का होता है वो अभी औरत का उतना शायद नहीं बन पाता, ये बड़ी बात वो है, कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि माँ ज़रा ज़्यादा शायद मुश्किल से गुजरती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है। पाकिस्तानी ड्रामाज आर नाउ दे आर ओवररेटेड एंड आई डोंट वॉन्ट इट टू बी लाइक दैट, आई वॉन्ट देम टू बी लाइक ओल्ड टाइम्स, like really good। जल्दी से हमें अपने ब्रांड के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, कैसे स्टार्ट किया, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, हु इज इट फॉर। माय ब्रांड इज अ जॉइंट वेंचर, आई हैव इट्स कॉल्ड एवरवाना, आई हैव फ्यू पार्टनर्स एंड उसका ये है कि मैं बहुत टाइम से शुरू करना चाह रही थी एक क्लोथिंग ब्रांड, बट मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि सिर्फ कपड़े डिज़ाइन नहीं करने होते, आपने उनको बेचना होता है, आपने बनाना होता है, सोर्स करना होता है, तो बहुत कुछ होता है, तो दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच आई डिडंट हैव, सो व्हेन आई हैड द राइट टीम तो मैंने फिर वो काम शुरू कर दिया। और मेरा सबसे जो पहली चीज़ थी जो मेरे माइंड में थी वो ये थी कि कपड़े ऐसे हों जिनको, जब हम सलवार कमीज प्रिंट्स वाली बनाते हैं
तो हम उनको यूके जाते हुए नहीं पहनते, बिल्कुल हम जाते हुए कपड़े चेंज करते हैं. सो आई वांटेड कि हमारे कपड़े ऐसे हों जिनको ना मुझे पाकिस्तान में मसला हो, ना मुझे यूके में मसला हो, ना यूएस में मसला हो, वो ढके छुपे भी हों और वो इतने ट्रेंडी भी हों कि मैं उनको कहीं पर भी पहन सकूँ. और मुझे ये था कि उसमें कोई एज का बैरियर ना हो कि ये तो छोटी उम्र के लिए नहीं हो सकता या ये बड़ी उम्र की औरत के लिए नहीं हो सकता, तो वो सारे बैरियर्स ना हो. और माई क्लोज आर वेरी खुले ढीले ढाले, तो आई वॉन्टेड कि ऐसे कपड़े हों कि अगर कोई लड़की उस वक्त स्कार्फ या दुपट्टा नहीं लेना चाह रही है और वो करीम पे है या कुछ ऐसा है, तो उसको वो वाला मसला ना हो कि कॉन्शियस फील ना करे कि यू नो मैं बड़ी चादर ओढ़ लूँ या कोई ऐसी चीज़ कर लूँ. तो मुझे ये कुछ चीज़ें थी मेरे दिमाग में, एंड आई एम ग्लैड कि वो उसी तरह अभी तक तो जा रहा है. सो लेट्स सी कि अभी आई एम वेरी इम्प्रेस्ड सईफा, बहुत इम्प्रेस हूँ आई एम ऑनेस्टली, बिकॉज यूजुअली वो स्टाइल होते हैं बट आपने बड़ी प्रैक्टिकल बातें सोची हैं उस डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट के पीछे पहन के. लास्ट यू कैन स्पेल, कैन यू स्पेल फ्यूशिया फॉर अस, इधर उधर देखे बगैर, इधर उधर देखे बगैर, और जल्दी से बोर्ड हटा दे मेरी टीम वहाँ से अगर नजर पड़ गई तो. FUSCHIA You can't look around, cheating नहीं करनी. ग्रामर बहुत बुरी है, ये पूछिया नहीं अगर आप मुझसे लेमन के स्पेलिंग, लेमन के क्या होते हैं, LEMON डबल एम नहीं होता, नहीं सी सी आई स्वेयर यू कैन आस्क मी, लेट्स डू अ क्रॉस चेक, आई स्वेयर आई एम रियली बैड विद स्पेलिंग्स, टेरिबल TERRIBLE यू डिड इट राइट, सो ओके क्लाउन CLOWN सही है, लेकिन लेमन के नहीं आते थे मुझे. बिल्कुल 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 नहीं नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सईफा, बड़ा मजा आया आपसे गपशप करके एंड बड़े मजे की बातें भी सुनने को मिली और बड़ी कुछ आई थिंक कुछ थॉट्स भी हमने आगे दिए जो व्यूअर्स को, आई होप दे पिक इट अप एंड यू नो काम की हो उनके. बट वी अभी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं आप? यार देयर इज दिस प्रोजेक्ट जो मैं सोच रही हूँ साइन करने का, बट मैं उसकी स्क्रिप्ट को इस दफ़ा चाहती हूँ कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ूँ. ओके क्योंकि आती हैं 10 एपिसोड्स, वो आप करके साइन कर लेते हैं और फिर जो अभी 20 में हो रहा होता है वो कुछ और हो जाता है. तो आई वुड रियली वॉन्ट कि जो अब आए वो थोड़ा एक तो पहले वाले से डिफरेंट हो, और अगर अल्लाह करे लाहौर में हो, आई दिस ईयर आई रियली डोंट वांट टू कम हियर बिकॉज़ आई हैव बीन इधर उधर, तो आई रियली वांट टू बी इन लाहौर, सो आई रियली वांट टू स्पेंड सम टाइम होम, आई रियली वांट टू बी होम, सो लेट्स सी, आई रियली होप प्लीज लाहौर में बनाया करें कुछ प्रोजेक्ट्स. मैं नहीं आना चाहती हूँ कराची, लेकिन बहुत कम आना चाहती हूँ. प्लीज़ गाइज बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया है और मुझे लगा कि इतनी और मज़े की बात नहीं, इसलिए मैंने ड्रामों में बात नहीं की, लोग क्या कहेंगे पे नहीं बात की, भूल पे नहीं की, उसके लिए हम कभी और सईफा से मिलके बात करेंगे इंशाल्लाह. आई थिंक हमें काफ़ी नई चीज़ें और मज़े की चीज़ सईफा से सुनने को और उनके बारे में पता चली है. सो मैं पहले से बोल दूँ, इससे पहले नीचे कॉमेंट्स आ जाएंगे ना, लोग क्या कहेंगे बात नहीं की, भूल के नहीं की, बेटी की बात की, मैं पहले से ही बता दूँ कि क्या रीज़न है, हम ऑलरेडी 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं. तो वी विश यू ऑल द बेस्ट सईफा एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर कमिंग हियर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. It was lovely seeing you, lovely meeting you.